तेज प्रताप जी के बयान से पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई मतदाता सहमत नहीं है। और आपने देखा होगा कि तेज प्रताप जी के बयान का कोई बिहार में महत्व नहीं है, किसी ने कोई समर्थन भी नहीं किया उन। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को खरी खोटी सुनाने वाले तेज प्रताप यादव को पहली बार जवाब मिला है। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले दिनों तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह को काफी भला बुरा कहा था, जिसके बाद से पार्टी के तमाम नेताओं ने चुप्पी साध ली थी। लेकिन एक बार फिर से चुप्पी तोड़ी गई है। आरजेडी के विधायक और जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने चुप्पी तोड़ी है और तेज प्रताप यादव को करारा जवाब दे दिया है। जी आपको बता दें कि आरजेडी के एमएलए और जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने तेज प्रताप यादव के बयान को लेकर के सवाल किए जाने पर कहा है कि उनके बयान की पार्टी में कोई अहमियत नहीं है। तेज प्रताप यादव अकेले अपना राग अलापते हैं और पार्टी का कोई नेता उनकी राय से इत्तेफाक नहीं रखता। इतना ही नहीं, सुधाकर सिंह ने तेज प्रताप यादव को आरजेडी का बड़ा नेता मानने से भी इनकार करते हुए कहा है कि पार्टी के एक नेता है और पार्टी से ऊपर कोई भी नहीं है। आपको बता दें कि बीते 13 फरवरी को तेज प्रताप यादव ने आरजेडी कार्यालय में जगदानंद सिंह को खूब भला बुरा कहा था। मीडिया के सामने तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया था कि जगदानंद सिंह पार्टी का बेड़ा गर्क कर देंगे। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि जगदानंद सिंह ने अब तक लालू यादव की रिहाई के लिए आजादी पत्र भी नहीं लिखा है। लालू की तबीयत अगर बिगड़ी है तो उसके जिम्मेदार भी जगदानंद सिंह है। इसके बाद विरोधियों को आरजेडी और लालू यादव के परिवार पर निशाना साधने का बड़ा मौका मिल गया था और पार्टी की खूब किरकिरी भी हुई थी। तेज प्रताप यादव को भी कई नेताओं के गुस्से का सामना भी करना पड़ा था। इस बीच आपको बता दें कि आज आखिरकार चुप्पी तोड़ी गई है और सुधाकर सिंह, जो कि जगदानंद सिंह के बेटे हैं और आरजेडी के एमएलए हैं, उन्होंने तेज प्रताप यादव के बयान को काफ़ी अहमियत नहीं भरा बताया है। उनका साफ कहना है कि पार्टी में उनके बयान की कोई अहमियत नहीं है। तेज प्रताप जी के बयान से पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई मतदाता सहमत नहीं है। और आपने देखा होगा कि तेज प्रताप जी के बयान का कोई बिहार में महत्व नहीं है, किसी ने कोई समर्थन भी नहीं किया उनका। अब उनका एक लाभ है, इंसान करता है एक लाभ, लोकतंत्र एक लाभ से नहीं चलता है, प्रलाप से भी नहीं चलता। वो तो पार्टी के बड़े नेता गिने जाते हैं। पार्टी के नेता है, बड़े नहीं, पार्टी से बड़े नहीं है, पार्टी से है। किसान सुधाकर सिंह का साफ कहना है कि पार्टी में तेज प्रताप यादव के बयान की कोई अहमियत नहीं है, वो अकेले ही अपना राग अलापते रहते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।